रेडे 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 टाइम निकलते जा रहा है। ये स्टोर काफी है वैसे, मुझे लग रहा है गाइस कि ये कुछ ना कुछ इसको मिल जाना चाहिए एटलीस्ट। और ये जो है ये लॉलीपॉप है, इसमें मुझे नहीं पता कौन सा कलर निकलेगा, पर ये भी स्ट्रॉबेरी थी तो मैंने ये भी उठा लाई। यार काश व्हाइट कलर होता तो मैं मोमोज ट्राई कर लेती यार। ओ भाई तंदूरी मोमोज तो रेड होते हैं, चलो 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 रेड रेड रेड। वाटरमेलन जूस रेड होता है, पिंक होता है, ब्राउन होता है। आप लोग पनिशमेंट सोच के रखिए, गारंटी हारने वाली है। तो गाइस ये है जिसका इंतजार था हमको, और ये है तंदूरी मोमो। और मैंने टाइम को तोला तोला और मैं खा रही हूँ गोला गोला। तोला 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 गोला गोला। यार फूल लाल है, फूल खा लूँ क्या? यार ये गाइस पिंक निकली, साला मैं सोच रही थी लाल है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई देसी मान्या एक नया फूड चैलेंज लेके। आज मैं करने वाली हूँ कलर फूड चैलेंज, जो कि बहुत ज्यादा रंगीन होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैलेंज ये है कि इस बोल में खूब सारे कलर्स की चिट है और मुझे एक उठानी है, और जो भी कलर आएगा वो उसके मुझे फूड आइटम्स या बेवरेजेस या जो भी ड्रिंक्स वगैरह जो भी उसमें मिल जाए, मतलब अगर सूखी सब्जी भी मिलती है तो मुझे वो खानी है, ठीक है। और इस चैलेंज को और डिफिकल्ट बनाने के लिए मुझे टोटल 15 आइटम्स खाने ही हैं। उसके आगे मैं खाऊंगी तो फिर वो तो मेरी जीत है, पर मुझे 15 आइटम्स खाने हैं। अगर मैंने 15 आइटम्स से कम खाए तो मैं हार जाऊंगी ये चैलेंज, और हारूंगी तो मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी आप लोग डिसाइड करेंगे। और एक और चीज इसने ऐड किया, आयुष ने ऐड किया है, उसको और डिफिकल्ट बनाने के लिए मुझे ये सब एक घंटे में कंप्लीट करना है। मुझे 60 मिनट्स में 15 आइटम्स उसी कलर खाना ही है। और एक चीज और है, रूल ये है कि जो पैकेट है, जैसे कि ये पैकेट ऑरेंज है और मेरा कलर ऑरेंज है, तो लेकिन इसके अंदर का जो आइटम निकलेगा वो जो भी कलर का होगा, अगर वो येलो होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो गाइज मैं ये चैलेंज बहुत ही ईमानदारी से करूंगी। आपको बस ये करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि पनिशमेंट जो है वो आप लोग ही डिसाइड करेंगे अगर हारी तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैलेंज और निकालते हैं चिट। तो ऊपर रख के मैं चिट उठा रही हूँ और मैंने गिरा दिए पर चिट उठा लिए। ये मेरी चिट है और मैंने उठा लिया है, और मैंने ना ऐसे धुक 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 हो रहा है, क्योंकि पता नहीं अजीब सा डर लग रहा है यार, क्योंकि 15 आइटम्स कैसे एक कलर के मिलेंगे, और अगर पर्पल या ब्लैक और इस टाइप का कलर आ गया तो लग जाने। पर्पल नहीं आना चाहिए, ब्लैक नहीं आना चाहिए, रेड नहीं आना चाहिए, येल्लो आ जाए चलेगा, ऑरेंज आ जाए चलेगा। तो गाइस कलर क्या है ये मैं आपको एक शायरी के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। सोने से पहले लगाते हैं हम बेड, सोने से पहले लगाते हैं हम बेड, और कलर आ गया है मेरा रेड। गाइस कलर आ गया है मेरा रेड, और अब टाइमर चालू होएगा और चैलेंज। पर मैं सोच रही हूँ कि भाई रेड कलर है तो रेड ड्रेस भी पहन लूँ, मतलब रेड टी शर्ट तो पहन लूँ। तो जाती हूँ फटाक से चेंज करके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। यार हो गई हूँ मैं रेड 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 में, ठीक है। अब टाइमर स्टार्ट करती हूँ, और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। अगर दिमाग की बुद्धि मैंने चलाई और मैंने ये सोचा है कि भाई क्या करते हैं, पहले ना घर पे सर्च करते हैं, घर पे लाल कलर की चीजें तो मिल ही जाएगी, तो पहले घर पे सर्च करा जाए उसके बाद बाहर जाया जाए, फिर उसके बाद। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस टाइम स्टार्ट हो गया, और पहले तो मुझे सबसे पहले ये दिखा है किसान का केचप, तो ये तो भाई बनता है खाना, लेकिन इसको खाऊं कैसे यार, इतना बड़ा पैकेट है। शिट शिट शिट, मेरे को ऐसे ही खाना पड़ेगा।
ये सिर्फ टोमेटो केचप ना सिर्फ और सिर्फ सैंडविच और ब्रेड पकौड़ा इसी के साथ अच्छा लगता है। कभी जिंदगी में नॉर्मली ऐसे कोड़ा ट्राई मत करना। फ्रिज में ना दुनिया भर की चीजें रहती हैं। ये सॉस वापस मिल गया यार, इसका क्या करूं मैं? गाइस मैं खाऊंगी टमाटर जो कि ऑलरेडी कटा हुआ है और ये रेड है, रेड 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 यार। आज सब गंदा ही लग रहा है, ये झूठा नहीं ढूंढी फ्रिज में, पर फिलहाल इसको अभी यहां मैं रख देती हूँ। और क्या खा सकते हैं यार? यार मेरी पता अभी ऐसी हालत हो गई है जो वो एक एग्जाम में नहीं होती है जब आप एक दिन पहले पढ़ते हो और फिर आपको कुछ याद नहीं आता है, वैसी टाइप का हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं पीऊं यार। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये मंचाओ इंस्टेंट सूप मिला है लेकिन ये ब्राउन कलर का निकलेगा आई डाउट, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। यहाँ पे तो सारी क्रॉकरीज हैं। अरे कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। ये भी ब्राउन कलर का पिचकू है। ये मुझे तिलक मिला है, तिलक चाट लेती हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ चिली फ्लेक्स, मुझे चिली फ्लेक्स मिल गई है। और ये खाना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट अब टास्क चैलेंज के लिए करना ही पड़ेगा। बहुत तेज है यार। शिट 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 शिट, मिर्ची लग गई। ओह यार गाइस यहाँ तो ना कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं, बाहर ही कुछ ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ दिखेगा ना तो सब हो जाएगा। यार टाइम निकलते जा रहा है। शिट शिट शिट, जल्दी आ यार। यार ये गाइस ऐसे तो ये लिफ्ट ना एक मिनट में आ जाती है, पर आज ही सब कुछ आना आना है। ये देखो 5-6 फटाफटा। गाइस जल्दी जल्दी भागना होगा क्योंकि टाइम 15 आइटम बहुत ज्यादा होते हैं यार। अभी तक मेरे सिर्फ 3 आइटम हुए हैं, सिर्फ 3। तो भाई ऐसा है कि बाजू में ना यहाँ पे एक ऐसे स्टोर टाइप का है जहाँ पे मुझे लगता है रेड कलर की चीजें मिल जाएंगी, तो मैं जाती हूँ और देखती हूँ। टाइम निकलते जा रहा है, ये स्टोर काफ़ी है वैसे, मुझे लग रहा है गाइस कि ये कुछ ना कुछ इसको मिल जाना चाहिए यहाँ एटलीस्ट 2-3 आइटम। मुझे ये लेस बिल्कुल नहीं पसंद है रेड वाले, पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ही लेस खाना। टाइम निकलते जा रहा है 4.5 मिनट्स। तो गाइस अंदर गई हुई इसको 2 मिनट के आसपास लगभग हो गया है, टोटल टाइम अभी 5 मिनट्स हो गया है। लेट्स सी क्या क्या लेके आती है। अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे कैमरा तो सो मेरे को बाहर ही रुकना पड़ा, बट वो लेके आएगी, देखते क्या क्या उठा के लाती है। अभी तक आई नहीं है गाइस, टाइम जाते जा रहा है 7:39 7:40। मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, पता नहीं है इसको क्या इतना टाइम लग रहा है। लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय इसको ऑप्शन देता हूँ, हिट है, हिट हिट खा ले। और ये आती हुई गाइस, आई होप कुछ तो लाई हो, इतने 5 मिनट बर्बाद करके आई है। टाइम पता है ना कितना हो गया है, टाइम देख ले एक बार, 9:09 9:06। हाँ अच्छा मेरे को तो हिट भी देखा, पता है हिट ले ले, हिट खा ले। अरे छी यार तू सुन, ये देख हिट वैसे भी ट्रांसपेरेंट होता है। ये मुझे गाइस लेज मिला रेड और ये फ्लेवर हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट अब टास्क है तो क्या करें। और ये रेड, एक सेकंड, रेड कहाँ है? ये रेड नहीं है, मसाला रेड है उसमें, ऐसा है क्या? हाँ मसाला रेड है और क्या। ठीक है चलो, ठीक है चलो, आप कमेंट करके बताना ये रेड निकलता है कि नहीं। मस्त है यार, ये मैं एपिगेमिया लाई हूँ, बट ये इसकी कवरिंग है रेड, बट आई एम नॉट श्योर कि भाई ये रेड होगा कि नहीं अंदर से। मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में हूँ इस चीज़ में, और अगर ये नहीं निकला ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें तो रेड निकलना स्वाभाविक
लेकिन किसी किसी की किस्मत इतनी खराब होती है। गाइस, इसमें रेड नहीं है। यार, कितनी बुरी किस्मत। उसमें रेड आता भी नहीं था। आता है इसमें रेड। तभी नहीं आया। तो आता है, मैं तेरे को खिला दूँगी यार। शिट यार, इसमें रेड नहीं है। दो काउंट नहीं हुए मैडम, आपके सिर्फ ऊपर तीन हुए थे और एक ये लेस, लेस भी वो भी आपको फेवरेट दे दिया है फेवर। चलो मेहनत करके आई हो तो ठीक है, और टाइम अगर आप देख लो यार डर जाओगी, क्योंकि ऑलरेडी 12:40, 12:50 क्लोज टू 13 मिनट हो चुके हैं, तो आपके बहुत कम समय बचा। ये मेरे पास नेक्स्ट आइटम है और भैया ने गारंटी दी है कि रेड निकलेगा, तो मैं जल्दी से इसको देख लेती हूँ। क्या है, क्या ये? ये फलेनो की चॉकलेट है, टॉफी है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, तो ये रेड निकली। ठीक है, पूरा स्टोर निकाल लाई है ऐसा लग रहा है। ये जो है ये लॉलीपॉप है, इसमें मुझे नहीं पता कौन सा कलर निकलेगा, पर ये भी स्ट्रॉबेरी थी तो मैंने ये भी उठा लाई। पिंक होती है जनरली स्ट्रॉबेरी? नहीं, नॉर्मली कलर तो रेड होता ना। ये रेड है, ये रेड है, रेड है ग्रीन। कितने आइटम हो गए? 10 आइटम कंप्लीटेड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यार काश व्हाइट कलर होता तो मैं मोमोज ट्राई कर लेती यार। ओ भाई, तंदूरी मोमोस तो रेड होते हैं, चलो 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 रेड। तो गाइस मेरे दिमाग में एक आईडिया आया है कि यार मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे फ्रूट्स कितने सारे रेड मिल जाएंगे, तो मैं फ्रूट्स की शॉप पे जा रही हूँ और वहाँ पे रेड कलर ढूंढने। यार ये चैलेंज जितना देखने में आसान लग रहा है ना, उतना करने में बिल्कुल नहीं है। और इतनी तपती धूप, मुंबई की इतनी तपती धूप में मैं बिल्कुल गर्मी से लथपथ हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी चैलेंज है, जीतूंगी। तो गाइस हम पहुंच गए एक पूरी सब्जी और फ्रूट्स की शॉप पे, और यहाँ पे एप्पल की तरह टमाटर मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। एप्पल भैया, एप्पल लिए? एक लेना ही पड़ेगा पूरा। गाइस ये रेड एप्पल, और अरे यार और तो कुछ भी नहीं है फ्रूट्स में। अनार को कैसे खाऊंगी? अनार तो घर पे भी था यार, अनार घर पे ही खा लेती। शिट, छोड़ना पड़ेगा। ये एप्पल फ्री में दे रहे हो? फ्री में दे रहे हो भैया एप्पल? ठीक है, बाद में देती हूँ पैसे। ठीक है, अभी टाइम लेट हो रही हूँ। तो गाइस अभी गाजर भी रेड होती है। तो गाजर भी मैं खा लेती हूँ और एप्पल बाहर चल के खाएंगे। भैया पूरी नहीं खाई आपकी? हाँ, ये गाजर। तो गाइस गाजर, अब बिना छीली हुई गाजर कभी कड़वी लग रही है, और ये एप्पल। एप्पल तो बढ़िया रहता है। तो गाइस वहाँ पे मेरे 6 हो गए थे, और ये 7 और ये 8, तो 8 आइटम पूरे हो गए, 7 अभी और बचे हैं। और टाइम कितना बचा है आयु? टाइम आपका अभी 19 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 40 मिनट रिमेनिंग, क्लोज टू 40 मिनट्स। बस 40 मिनट्स ही बचे? हां भाई, भागो। मोमोस में तो पनीर नहीं, आधा घंटा लगेगा। शिट, भागो। नहीं, मोमोज जैसी चीज का भी कैंसिल मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मोमोज तो खाने का बहाना चाहिए यार मुझे, तो मोमोज कभी कैंसिल नहीं होगा। तो गाइस चलो अब हम ऑर्डर करते हैं तंदूरी मोमोज। तो भैया तंदूरी मोमोज दे देना। नहीं है? शिट, मैं इतनी बुरी किस्मत कैसे हो सकती है? आगे देखते, चलो आगे आगे आगे। भाई तो मोमोज तो मिले नहीं तुम्हारे, और देख रहे हो टाइम कितना बचा है? 25 मिनट 24 मिनट होने को है। हो गए? क्या मिलेगा यार पेस्ट्री में? यार रेड वेलवेट तो हमेशा मिलती है। है इनके पास है, थैंक गॉड। इतनी बुरी भी किस्मत नहीं है मेरी, मिल रही है।
और गाइस ये आ गई है मेरी रेड वेलवेट और आप देख सकते हैं ये एकदम लाल है, एकदम रेड है और ये मेरा 9th नंबर का आइटम है। नाइस भाई, 9 आइटम हो गए, हम नेक्स्ट कहाँ जाना है? तो हम मोमो मिल नहीं रहे हैं। अरे यार मोमो नहीं मिल रहे हैं, टाइम जाते जा रहा है, 26 सेकंड्स और पसीना आ रहा है। डन। तो गाइस यहाँ पे आगे एक और मोमो की शॉप है तो हम वो भी देखेंगे, वहाँ तो मिलने चाहिए यार। गाइस यहाँ से मैंने पेस्ट्री ली, वहाँ से मैंने यहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट्स है तो यहाँ पे ना वाटरमेलन जूस गारंटी मिलेगा, बट आई होप कि वो पिंक कलर का ना हो। वाटरमेलन जूस रेड होता है, पिंक होता है, ब्राउन होता है? एक वाटरमेलन जूस कर देना, थैंक यू। तो जब तक वाटरमेलन जूस बन रहा है तब तक मैं मोमोज का ऑर्डर दे देती हूँ। तो ऑर्डर कर दी है मैंने दो और अब मैं खाने वाली हूँ मोमो। तो गाइस वाटरमेलन जूस ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया और यहाँ पे मोमोज थैंक गॉड मिल गए हैं, तो मोमोज खाते हैं। तंदूरी हाँ कितना, 10-15 मिनट, थोड़ा जल्दी करो ना। वेज 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 कितना टाइम लगेगा? अरे नहीं मेरा टाइम चल रहा है, एक्चुअली मैं चैलेंज कर रही हूँ, 10 मिनट ठीक है। यार सच में मेरे साथ आज पता नहीं क्या हो रहा है, जेम्स में रेड कलर नहीं निकला, पहले मोमो ट्राई किया वो मोमो नहीं मिला और यहाँ पे भी बोल रहा है 10 मिनट लगेंगे, पर टाइम कितना बचा है हमारे पास? 32 मिनट्स, मतलब 10 मिनट में हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो देखा जाएगा, पर ऑर्डर दे दिया है। वहाँ पे वाटरमेलन जूस तैयार है, वो पी लेते पहले। वाटरमेलन हो गया क्या रेडी? गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इधर भी उधर भी क्या करूँ मैं, बाकी तो मुझे ना आइटम्स ही याद नहीं आ रहे यार। लाल 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 यार, पता मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है यार, मैं एग्जाम में पेपर में भी ब्लैंक हो जाया करती थी। लाल लाल यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मंचूरियन लाल होता है क्या? नहीं, क्या कंसिडर करते हैं फालतू की चीजें, ऐसे मन से मत लाल बनाओ। क्यों मंचूरियन वो जो मंचूरियन भेल होती है, नॉर्मल जो मंचूरियन होता है वो तो लाल कलर का होता है, यहाँ नहीं मिलता वो। क्यों नहीं मिलेगा? इनसे बोलते हैं भैया एक मंचूरियन का टुकड़ा दे दो गरीब को। थैंक यू, ये आ गया मेरा लाल कलर का वाटरमेलन जूस। दसवें नंबर का आइटम है ये और अभी 5 आइटम और बचे हैं। मैं क्या चूस के मजे ले रही हूँ, मुझे भागना चाहिए, भागना। पता नहीं ऐसे भाग रही है गाइस, 34 मिनट्स ऑन द क्लॉक, पान की शॉप में जा रही है, पता नहीं क्या लेके आएगी, आई डाउट। आप लोग पनिशमेंट सोच के रखिए, गारंटी हारने वाली है। अपन तो बढ़िया मजे में, तो 2-3 आइटम आराम से ध्यान आ रहे हैं, इसका दिमाग ही नहीं चल रहा है यार। प्लीज डोंट स्मोक यार, ऐसा तो मत करो, मतलब कुछ भी करो। अरे वाह यार ये सही आइटम है यार, कौन से नंबर का हो गया? बहुत सही, 35 मिनट हो चुके हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जितना इसमें बनने में टाइम लगा है ना, उतना इसमें उससे ज्यादा ये गरम है यार, बहुत। मेरे 12 आइटम कंप्लीट हो गए, मेरे सिर्फ 3 आइटम बचे हैं, जिसका मुझे आइडिया नहीं है मैं क्या खाने वाली हूँ। गाइस मैंने एक चीज नोटिस की कि इसमें तो चटनी भी है और ये भी रेड है, तो ये मेरा दूसरा आइटम, सॉरी एक मिनट, ये ऑरेंज लग रही है मेरे को, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये कंसीडर नहीं होगा। तुम्हारा आइडिया क्या था? शेजवान चटनी, वो बाहर जो मिलती है ना 10 वाली, वो खरीद के खाओ। अरे यार ये गलत बात है, लेकिन तो अभी टोटल 12 ही हुए। ठीक है अभी 12 हो गए, अब और टाइम लेफ्ट ओनली 22 मिनट्स। मिल गया एक और आइटम, और मैंने इस चैलेंज में कर लिया है कब्जा और मैं पीने वाली हूँ रू अफ़ज़ा, जो कि रेड होता है। एक मिनट, जब वो बन के आएगा ना तब देख लेना, वो रेड कलर ही होता है। ठीक है, मैं बहुत श्योर हूँ क्योंकि मैं बचपन में बहुत पिया करती थी।
ये देखो इसमें भी ये रेड ही दिखा रहा है, ये देखो रेड कलर दिखा। अब हमारा टाइम वेस्ट करो मत, हम आगे क्या। अभी तो मेरे पास ये हो गया मेरा 13वां आइटम और अब मेरे पास सिर्फ 2 आइटम बचे हैं और मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मैं थोड़ा सा चिल मारूंगी। तो गाइज अभी रूहअफ़ज़ा बनने में 2-3 मिनट लगेंगे और मेरा टाइम अभी, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। कितना टाइम बचा है मेरे पास? 18 मिनट्स बचे। ओ भाई मेरे को 2 आइटम और सोचने, एक तो हो गया शेजवान चटनी, दूसरा यार कुछ आइडिया देना प्लीज। हिट अरे यार ये हिट, इसकी सुई उसी बैठ की हुई है हिट पे। और ये है पूरा लाल कलर और ये मैं पी रही हूँ रूहअफ़ज़ा। भाई इतनी तपती गर्मी में ये पियो ना तो जिंदगी में ऐसा लगता है बॉडी में एनर्जी आ गई है। पैसे कौन देगा, हर चीज फ्री में थोड़ा ना खानी है। अरे हाँ यार भैया कितने हुए? 60 भाई यार। ये देखो ये रेड है पर ये मैं खाती नहीं हूँ यार। और रेड क्या होता है? ओ भाई नूडल्स तो रेड होती है शेजवान, लेकिन कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है। नूडल्स है क्या? ओ शिट यार नूडल्स भी नहीं है यहाँ पे, क्या ही हो रहा है मेरे साथ पता नहीं आज। भैया ये रेड कलर डालोगे तो रेड गोला मिल जाएगा ना, दे दो एक छोटा बनाना, नहीं नॉर्मल छोटा सा बनाना बहुत छोटा, ऐसे चाहिए बस, फास्ट चल रहा है, जल्दी। ये भैया एक्चुअली मैंने इनका ब्लॉग किया हुआ है तो ये बहुत ना बड़ा बनाते हैं, तो इनको मैं बोल रही हूँ छोटा, इतना सा बस उसमें रेड कलर दे दे भाई मेरे को। मेरा 14 आइटम इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, 15वां आइटम जो है वो मैं शेजवान चटनी खाने वाली हूँ, लेकिन मिल नहीं रही यार कहीं। यहाँ किराने की दुकान नहीं है क्या आसपास? ऐसे 3 किलोमीटर दूर है, पैदल चले जाना है, बहुत टाइम। हाँ वाह वेरी इंटेलिजेंट, मैंने टाइम को तोला और मैं खा रही हूँ गोला। तो ये भी लाल कलर का है। कितने हो गए? बहुत टेस्टी यार, 14 हो गए एक आखिरी। ये टाइम कितना बचा है? टाइम बचा है अभी ओनली यार, फूल लाल है, फूल खा लूं क्या? शिट यार मेरे को और लाल। तो गाइस यार मैंने सोचा था कि यहाँ पे शेजवान चटनी मिलेगी लेकिन नहीं है, अब मेरे को शेजवान ढूंढने के लिए ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ यार। यहाँ पे आजू बाजू किराना शॉप नहीं है क्या यार? यार दूर दूर तक किराना शॉप नहीं मिल रही है यार, पता नहीं कैसी जगह रह रहे हैं यार हम। अरे यार मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कहीं किराना नहीं है, सब जगह स्वीट। अबे स्वीट, अबे मिठाई तो मिलेगी कहीं ना कहीं, कुछ हो सकता है मिठाई लाल मिल जाए उसी दुकान में, अगर मेरी किस्मत रही तो मिल जाएगी और नहीं रहेगी तो भाई मैं ये चैलेंज हारी। ओ भाई कहाँ घुस रही हूँ। अरे यार यहाँ पे गाइस कुछ भी नहीं मिल रहा है, लाल कलर की कोई मिठाई भी नहीं है यहाँ पे यार। ये पिंक है क्या? यार ये गाइस पिंक निकली साला, मैं सोच रही थी लाल है, लेकिन चलो मेरे को एक चीज याद आई, हमें भागना होगा। एक्सक्यूज मी जल्दी हमें भागना होगा और ढूंढना होगा। कितना टाइम बचा है? Thank you.
यार वो बंदा कितना दूर है यार। 12 सेकंड बाकी। भैया 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 चेरी दे दो जल्दी। भैया चेरी दो चेरी। जल्दी जल्दी। कितना बजे? 5, 3, 2, 1 आई हो गए मेरे 15 आइटम कंप्लीट। तो गाइस जब मैं चैलेंज हार रही थी तो लग रहा था मुझे बुरा और हो गया है मैं जीत गई हूँ और ये हो गया है पूरा चैलेंज पूरा उल्टा सीधा हो गया सॉरी पर मैं चैलेंज जीत गई हूँ और मैंने 15 आइटम खा लिए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा, आपको इंटरेस्ट आया कि नहीं, आपको मज़ा आई कि नहीं, आप एंटरटेन हुए कि नहीं। तो ऐसे मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी और आगे भी ऐसे चैलेंजेस कुछ अलग अलग चैलेंजेस मैं आपके लिए लाती रहूँगी और फूड ब्लॉग्स भी लाती रहूँगी। तो बस आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन और मेरी इतनी मेहनत हुई यार लाइक करना तो बनता है बॉस और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। बस देखते रहिए देसी मान्या। जय हिंद।